हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टाटा BS4 कॉमिंस का इंजन है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पिस्टन क्रैंक वगैरह हमने डाल दी है, और मैं ऊपर का आपको दिखाने वाला हूं चेंबर लगाने के बाद जो है हेड गैस्केट वगैरह कैसे डालना है, टेपिट वगैरह कैसे फिटिंग करनी, कैसे सेटिंग करनी है, रोकर वगैरह कैसे आप लोगों को रखना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये प्लेट हमने लगा दी है और लगाने के बाद हमने चेंबर लगा करके इसको पलट दिया है, और अब हम रख रहे हैं इसके ऊपर गैस्केट। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने ब्लॉक को सीधा कर लिया है। गैस्केट रखना है तो सबसे पहले एल्स इसको भिगोना है दोस्तों। जैसा कि हमने भिगो लिया है, आप देख सकते हैं पूरी गीली है गैस्केट हमारी, और ब्लॉक में भी ऊपरी हिस्से में जो है एल को लगा लेना है, और डाबले इसमें जो है लगा लेनी है। हमने डाबल लगा दिया है, आप देख सकते हैं डाबल है, डाबल को हमने लगा दिया है। डाबल लगाने के बाद दोस्तों गैस्केट को भी भिगो करके अच्छी तरीके से बिठा लेना है, डाबल से डाबल को मैच करके गैस्केट को बिठा लेना है। बिठाने के बाद दोस्तों हेड के वालों पे हमें चोट मारनी है, तो अभी हम हेड भी रखने वाले हैं, तो पिस्टन को और बोर को इस प्रकार से हम साफ करेंगे और दो दो बूंद इसमें एयर डालेंगे ताकि स्टार्टिंग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने इसको क्लीन किया हुआ है। क्लीन करने के बाद दोस्तों इस पर ऑयल डालेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें, बताइए आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो नहीं डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अभी हम इस पर हेड रखने वाले हैं। ऑयल इसमें डालने के बाद हेड को रखने के दोस्तों, तो फटाफट करके हम हेड की तरफ को जाते हैं और हेड में जो है चोट मारेंगे। देख सकते हैं अभी हम सबसे पहले ऑयल कूलर को लगा लेते हैं, सॉरी ऑयल कूलर को लगा लेते हैं क्योंकि अभी उसमें चोट मार रहा है हेड में के वालों पे दोस्तों, चोट लग रही है। देखना है कोई लॉक खिंचा उठ का तो नहीं है, सही बैठा है कि नहीं, तो हम सबसे पहले ऑयल कूलर को लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं ऑयल कूलर यहाँ पे लगता है, तो कुछ इस प्रकार से फटाफट करके हम ऑयल कूलर को लगाने वाले हैं और इसके बाद हम हेड को फिर इसके बाद फिटिंग करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गैस्केट वगैरह हमने रख लिए है, ऑयल से भिगो करके ही रखना है दोस्तों ताकि जो हल्का फुल्का स्क्रैच हो जिसके इसके स्क्रैच ना आए आपके गैस्केट। एक सूखी गैस्केट रखते हैं आप तो आपकी गैस्केट जो है स्क्रैच हो सकती है और फिर जो है इंजन आपका हीट हो सकता है, पानी मिक्स हो सकता है, ऑयल मिक्स हो सकता है, तो ऐसी गलती आप लोग ना करें दोस्तों। कृपया करके गैस्केट को भिगो करके ही रखें। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से और भी फटाफट करके हेड को भी हम रखेंगे। तो अभी दोस्तों वो ऑयल कूलर इसमें लग चुका है, सॉरी चोट लग चुकी है चालू कर ली हेड पे, चालू है हेड के वालों पे चोट हैमर की मदद से जो है हैमर लगाया गया है। इसको हम पहले फिटिंग कर लेते हैं फिर ऑयल कूलर लगाते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको डाबल में डाबल बिठाकर हेड को रखना है, खिसकाना नहीं है दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे हम लोग बिठा रहे हैं इसी प्रकार आप लोगों को बिठाना है, खिसकाना नहीं है, नहीं तो आपकी गैस्केट स्क्रैच हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगा देना है जैसा कि हमने लगाया हुआ, ये देखिए, और साइड की इसके बाद गाइड प्लेट लगा देना है जिसमें 13 नंबर के बोल्ट और 10 नंबर के मत्थे से होता है। इसके बाद ये देख सकते हैं ऑयल कूलर की प्लेट है, यानी ऑयल कूलर है जिसपे एनामोड लगा रहा है, पैकिंग लगा करके उसको लगा देना है दोस्तों। ये देख सकते हैं टाइमिंग है इसकी दोस्तों, केम की और क्रैंक की टाइमिंग है दोस्तों, इसे लगा दिया है हमने, फिटिंग कर रखा है पहले से। ये टाइमिंग देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है आप देख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया किस प्रकार से इसकी टाइमिंग आप लोगों को मिलानी है दोस्तों। तो देख सकते हैं इसमें पैकिंग भी लगा दिया है ऑयल कूलर की, अब इसको इसमें फिटिंग करने वाला और हम फटाफट करके हेड के बोल्ट डाल देते हैं इसमें दोस्तों। 18 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं हेड पे, तो दोस्तों इसमें दो तीन लोग काम कर रहे हैं, मैं वीडियो भी बना रहा हूं और काम भी कर रहा हूं, और हमारा छोटा भीम है जो कि ऑयल कूलर में एनामोड लगा रहा है, और मैं देख सकते हैं हेड में बोल्ट डाल रहा हूँ दोस्तों फटाफट करके, और डालने के बाद इसको जो है टामी की मदद से फेस करूंगा और इसके बाद इसमें टार्क लगाने वाला हूँ। तो फटाफट करके मैं सारे बोल्टों को डाल देता हूँ हेड और ब्लॉक
में जो है टाइट करना है, हेड से होते हुए ब्लॉक में जाता है दोस्तों। ब्लॉक में टाइट होते हैं बोल्ट, ये थोड़े लंबे होते हैं, ये 18 नंबर के होते हैं दोस्तों। फटाफट करके इनमें डालने के बाद दोस्तों इसे हमें फेस करना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के दोस्तों। जब तक हम बोल्टों को डाल रहे हैं, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं। तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक दोस्तों तो बनता ही है, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये जरूर बताइएगा आप लोग देख करके, और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। बिल्कुल सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, इस चीज़ को आपको भूलना ही नहीं है। देख सकते हैं मैं हाथ से मिला रहा हूँ, हाथ से मिलाने के बाद मैं टामी से खींचने वाला हूँ, और टामी से खींचने के बाद फिर आगे का प्रोसेस करता हूँ। टूटेगा तो फिर नया आएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों मैं टामी की मदद से इसे फेस कर रहा हूँ, यानी मिला रहा हूँ, बोल्टों को टाइट करूँगा, इसके बाद जो है इसमें मैं टार्क लगाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टामी गोटी की मदद से आप लोगों को खींच ले रहा है, और खींचने के बाद जो है इसमें टार्क लगा देना है दोस्तों। देख सकते हैं छोटा भी हमारा आ गया दोस्तों, छोटा भी फिर से जो है एल कूलर पे लग गया दोस्तों आने के बाद। ये देखिए फटाफट करके लगा हुआ है बेचारा, बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत के साथ, और अभी एल कूलर लगाने वाला है, और अब हम टामी की मदद से खींच भी रहे हैं बोल्टों को, जो 18 नंबर के बोल्ट है इन्हें हम खींच रहे हैं। और हमारा छोटू बोल्ट ढूंढ रहा है आयल कूलर के, बोल्ट ढूंढने के बाद इसको आयल कूलर को फिटिंग करने वाला है छोटूआ हमारा। दो बोल्ट कम, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे 3 बोल्ट अभी कम पड़ रहे हैं दोस्त, 3 बोल्ट और ले लियो हटके उस्ताद, इनका 2 बोल्ट कम, जल्दी जल्दी ले लियो यार। तो 3 बोल्ट अभी रह गए हैं, उनको भी हम डाल देते हैं, और फटाफट करके सारे बोल्टों को फेस करेंगे। इसके बाद हम टार्क रिंच लगाने वाले हैं दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे टार्क रिंच कैसे लगाना है, कितने में लगाना है, NM में, KGF में, किस में आप लगाने वाले हैं। मैं आप लोगों को आज लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा किनने कितने की टार्क लगाई, कितने के बोल्ट हैं, क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को समझ आएगा नहीं, और आप उल्टा पुल्टा कर दोगे, पता लगे आपका इंजन हीट हो रहा है, इंजन ऑयल पानी में मिक्स हो रहा है, इंजन की आवाज़ अलग है, काफ़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ हो रहे हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ जरूर आए कि मैंने कैसे किया है, कैसे बनाया है, किस प्रकार लगाया है, किस प्रकार लगाया जाता है, सारे तरीके मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों देने वाला हूँ। लास्ट में दूंगा दोस्तों, बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज लास्ट में बताने वाला हूँ जिसको आप सुनकर बिल्कुल दंग रह जाएंगे, और इंजन की फिटिंग एक नंबर की होगी दोस्तों, बिल्कुल जैसे कि एजेंसी से आता है उस प्रकार से आप फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम मैं आप लोगों को बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, मैं बीच में भी बता सकता हूँ, यदि आपने स्किप कर दिया तो मैं शायद बीच में बता दिया और लास्ट में आप वीडियो को जो है बढ़ा करके स्किप करके पीछे ले जाएं और मैंने बीच में बता दिया, तो इसलिए आप स्किप मत करिएगा, मैं बीच में भी बता सकता हूँ क्या तरीका है, वीडियो को पूरा वॉच करें। और ये हमारा छोटू देख सकते हैं परेशान है बहुत देर से, आयर कूलर में जो है एनामोल्ट इसका लग नहीं पा रहा है, घंटों से लगा रहा है दोस्तों। इसके लिए कोई सुशील लड़की हो तो इसकी शादी करवा दो, कमेंट करके बताना अगर कोई लड़की हो इसकी शादी करवानी है। फटाफट फटाफट दोस्त टाइट कर दो, फटाफट लगा भाई आयल कूलर लगा फटाफट यार, अरे ले आ ले आ, 13 नंबर के बोल्ट है लंबे लंबे, हाँ यही बोल्ट है जो लगा रहा है, यही है यही है, लगा दे फटाफट करके लगा दे यार दोस्त। दोस्त देख सकते हैं हमारा छोटा भीम कितनी मेहनत से और कितनी लगन से लगा हुआ है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों में शेयर करें, और सब लोगों से इसमें सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों फटाफट करके, इसके वॉच टाइम और इसका घंटा पूरा हो जाए दोस्तों, सब्सक्राइबर पूरे हो जाए तो मोनेटाइज हो जाए तो बेचारे का दिल बहला रहेगा दोस्तों। देख सकते हैं ये लगा रहा है, आप देख सकते हैं आयल कूलर को 13 नंबर के बोल्टों को फेस कर रहा है, फटाफट करके इनको लगा लेते हैं, और इधर हम टार्क रिंच भी लगाने वाले हैं फटाफट करके, फटाफट फटाफट करके लगाने वाले हैं।
तो आप लोगों को मैं कुछ आज ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा इंजन के बारे में। ऐसा कुछ बताने वाला हूँ मैं, ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे होंगे आखिरकार ये बाबा जी बताने वाले क्या हैं। अरे मैं आज कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आज तक किसी ने आपको बताया ही नहीं होगा। गजब की ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, इंजन फिटिंग करने की और टेपिट मिलाने की, है ना, गजब का ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। देख सकते हैं हमारा ऑयल कूलर जो है छुटुआ लगा दिया है, ये देखिए फटाफट लगाने में लगा हुआ है, देखिए हाथों से लगा रहा है, ये देखिए। तो भैया ये हाथों की इसकी मेहनत जो है बेकार मत जाए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और दोस्तों शेयर जरूर कर देना वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा छुटको मेहनत कर रहा है कि हरामखोरी कर रहा है, ये जरूर बता देना। हाँ और इस हमारे इंजन, ये इंजन बनाने में हमारे वस्ताजों के वस्ताज आए हुए हैं, कमर खान वस्ताज, आप देख सकते हैं, चश्मा लगा के ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनकर खड़े हैं मेरे बगल में, आप देख सकते हैं। और अभी हम इसमें टार्क रिंच लगाने वाले हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार दोस्तों। इसमें टार्क रिंच लगाने का जो फंडा है 140 से 160 के बीच में लगाना है, एनएम में, हम एनएम में लगाते हैं, न्यूटन मीटर में लगाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने 160 में ही लगाया डायरेक्टली, क्योंकि मेरी जो टार्क रिंच है वो थोड़ी सी डैमेज है दोस्तों। बात कर रहा है दोस्तों छुटको हमारा, देख सकते हैं आयल कूलर के बोल्टों को जो 10 नंबर 13 नंबर के बोल्ट 10 नंबर के मत्थे से हैं, उन्हें फटाफट करके फेस कर रहा है, देख सकते हैं किस चीज इस प्रकार से दोस्तों फेस करने में लगा। और हम गाइड प्लेट लगाने वाले हैं दोस्तों, गाइड प्लेट साइड से लगाया हुआ था, वो थोड़ा सा फूली फूली से लग रही, तो फिर से हम उसे जो है खोल करके सेटिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम जो है टार्क रिंच लगाने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से आयल कूलर छोटू टाइट कर रहा है और हम जो है गाइड प्लेट को जो है टाइट सेटिंग करने वाले हैं, सही से बैठ ही नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, इसको हम बिठाने वाले हैं, बिठाने के बाद फिर हम टार्क रिंच को जो है लगाते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं हम टार्क रिंच लगाना सारा सारा दिन तुम्हें याद करेंगे तो प्यार कब करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें टार्क लग रहा है हेड में, टाटा PS4 का जो हमारा इंजन है, हेड के बोल्टों को भी टाइट किया जा रहा है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैंने इसमें 160 का टार्क लगाया, आप चाहें तो 140 से 160 के बीच में लगता है, आप 50 भी लगा सकते हैं, 60 भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने 160 का टार्क लगाया हुआ, क्योंकि हमारी टार्क पुरानी हो चुकी है, कभी कभी मिस भी कर जाती है, तो हमने 160 लगाया है। और अभी हम इसको टामी से चेक करने वाले हैं दोस्तों, फटाफट करके इसमें टार्क लगा लेते हैं, इसके बाद हम इसको टामी से चेक करने वाले हैं। ये 18 नंबर के बोल्ट है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, टाटा PS4 कॉमिंस का इंजन है, आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से हमने इसकी फिटिंग की है। और आगे का प्रोसेस में आप लोगों को टेपी रॉकर कैसे रखना है, नोजल कैसे लगानी है और टेपिट कैसे मिलानी है, इजीली तरीका आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, बिल्कुल इजीली तरीका दोस्तों। आंख बंद करके आप टेपिट मिला सकते हैं, आज इस प्रकार से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड सिखाने वाला हूँ। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों फटाफट करके इसको लगाने वाले हैं और टाइमिंग कवर की देख सकते हैं, वो जो पैकिंग लगी उसको छुटा रहा लौंडा बैठ करके, क्योंकि हमने सारी गलारियों को गेरों को फिट कर दिया है इसमें। और सारा कुछ फिटिंग करने के बाद अब इसकी टाइमिंग कवर लगाने वाले हैं, तो उसका एनामोल छुटा के इसको लगाते हैं और तब तक हम यहाँ पे टार्क लगा लेते हैं और रोकरों को रख देते हैं। तो फटाफट करके आइए चलते हैं, रखते हैं, टार्क हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अभी अब दोस्तों कुल मिला के इसमें पुसराट डालने वाले हैं, फाइनली इसमें दोस्तों देख सकते हैं 12 पुसराट पड़ते हैं, क्योंकि 6 सिलेंडर है, 12 पुसराट पड़ेंगे जो कि हम इस प्रकार से हमें डालना है। और दोस्तों पुसराट डालने के बाद वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के
पार्ट्स को असेंबल करना है, रोकर वगैरह और टेपिट वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि हमारा दोस्तों नोजल अभी बन करके नहीं आया, वो नोजल वाले के पास गया मैकेनिक के पास बनने के लिए नोजल और पार्ट, तो वो बन करके नहीं आया हुआ है, जिसके कारण हम आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं। तो दोस्तों वो कल तक आएगा या शाम तक आएगा, तो मैं अभी की वीडियो सिर्फ यहीं तक रोकूंगा और यही वीडियो डालूंगा। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा रोकर रखना और फिटिंग करना, सेटिंग करना, पंप को लगाना। तो दोस्तों बस आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर बिल्कुल करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे किसी अगर नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय उस्ताद।